सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं और समाज के निर्माण में सशक्त भूमिका निभाती हैं। आज के दौर में महिलाएं शिक्षा, पत्रकारिता, कानून, चिकित्सा, फैशन हर एक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही हैं। लेकिन आज भी ज्यादातर महिलाओं को ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। दोनों तरह की जिम्मेदारी उठाने वाली सुपर वुमेन महिलाओं में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और ये कई बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। आखिर क्यों महिलाओं में स्ट्रेस एक बड़ा हेल्थ रिस्क बन रहा है? स्ट्रेस के कारण भारत की वर्किंग वुमेन में कौन कौन सी बीमारी बढ़ रही है, इससे वो कैसे बच सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम महिलाओं में बढ़ते स्ट्रेस के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसे जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। बदलते वक्त ने अधिकतर महिलाओं को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। इसके बावजूद अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है महिलाओं के कंधों पर डाला गया घरेलू जिम्मेदारी का बोझ। खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल तक आज भी ये काम महिलाओं के हिस्से ही डाले जाते हैं। बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं पर तो अब काम की दोहरी मार है। उन्हें ऑफिस भी संभालना पड़ रहा है और घर भी, और ये दोहरी जिम्मेदारी उनके सेहत को दोहरे रिस्क में डाल रही है। स्ट्रेस के कारण भारतीय वर्किंग वुमेन में कौन कौन सी बीमारी बढ़ रही है? अधिकतर कामकाजी महिलाएं किसी न किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का शिकार हैं। आज के इस मॉडर्न युग में हमारी बहुत सारी महिलाएं न केवल घर का कामकाज देखती हैं, पर क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड हैं, तो वो बाहर निकल के भी अपना प्रोफेशन में अपना योगदान दे रही हैं। पर इस तरीके दोनों तरफ काम करते करते वो एक सुपर वुमन बनने की कोशिश करती है, और ये सुपर वुमन बनते बनते उनके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि उनको बाहर, घर से बाहर और घर के अंदर दोनों ही प्रॉब्लम्स को सहन करना पड़ता है। इसके तहत बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऐसी महिलाओं में आ रही हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, और उसमें जो बहुत कॉमन है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज की समस्या भी स्ट्रेस की वजह से हो रही है, डिप्रेशन और एंजाइटी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। उसके अलावा वजन बढ़ना और सिवियर पीएमएस, ये सभी समस्याएं महिला को स्ट्रेस की वजह से आजकल के जमाने में हो रही है। ऑफिस और घर साथ साथ मैनेज करने के कारण महिलाओं में तनाव बढ़ रहा है और इस कारण वो बीमारियों का शिकार हो रही है। अक्सर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। घर संभालने वाली वर्किंग वुमन क्यों हो रही हैं स्ट्रेस का शिकार? स्ट्रेस या तनाव के बारे में सारे लोग बातचीत करते हैं, एक वर्किंग वुमन की लाइफ के बारे में समझना थोड़ा जरूरी है कि तीन चार पहलू हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज है मल्टीपल रोल्स प्ले करना, हमेशा महसूस करना कि सिर्फ काम नहीं करना है, काम के साथ घर को भी देखना है, घर के साथ जो रिश्तेदार हैं उनको भी देखना है, अपने बारे में भी सोचना है, वो कहीं ना कहीं पे एक तनाव पैदा करता है। दूसरा पहलू जो आ जाता है वो है मल्टीटास्किंग करने की एक ज़रूरत महसूस करना, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल रोल्स हैं, लगता है कि आपको एक कार्य से दूसरे कार्य पर जल्द से जल्द पहुँचने की ज़रूरत है। अहमियत लगती है कि आप किसी ना किसी तरह से इंश्योर करें कि सिर्फ आप एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं इकट्ठे, सो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। तीसरा एस्पेक्ट होता है कि आपके मन में ये सोच चल रही है कि हर एक कार्य जो करें परफेक्शन के साथ हो, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंसान आप पे उंगली ना उठा सके कि आपसे कोई चीज़ गलत हो, सो ये एक अपने अंदर एक प्रेशर रहता है कि सारी चीज़ों को फटाफट से, अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से करने की ज़रूरत है। और चौथा एस्पेक्ट है अपने लिए समय ना पाना, हमें कहीं ना कहीं पे समझ नहीं आता है कि अपने लिए समय निकालना, अपनी चीज़ों की जो आपकी रुचि की चीज़ें हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो स्ट्रेस को बीट करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि ये चीज़ मिसिंग हो जाती है, इससे भी स्ट्रेस बढ़ने लगता है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति दो नावों में सवार व्यक्ति के समान होती है, क्योंकि एक ओर उसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस यानी कामकाज का तनाव झेलना पड़ता है तो दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर भी परिवार को खुश रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। महिलाएं इससे कैसे बचें?
अगर आप अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रेस या तनाव महसूस कर रहे हैं, कुछ चीजें आपको अपने लिए करनी शुरू करनी चाहिए। पहले तो निर्धारित करें कि ये जो स्ट्रेस है सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है। अगर उस एरिया में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप सुझाव नहीं कर रहे हैं, देन उसके लिए सोचने की जरूरत है कि किस तरह से आप उनको सुलझा सकते हैं। अपनी तरफ से इम्पोर्टेंस लाएं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बजाय कि आप उनको साइड पे पार्क करते रहें कि कभी ना कभी मैं इनकी तरफ वापस आऊंगी। दूसरी चीज जो है वो है कि अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अपने आसपास इन तरह से लोगों को इन्वॉल्व करें जो आपको सपोर्ट कर सके, आपकी मदद कर सके। अगर आप एक टनल विजन डेवलप कर रहे हैं तो आपको वो लैटरल थिंकिंग में मदद कर सके। तीसरा एस्पेक्ट है अपने लिए धीरे धीरे करके थोड़ा सा समय निकालना शुरू करना। जो पहले आपको एक्टिविटीज पसंद थी उनको इंटीग्रेट करना। हमेशा ये याद रखें कि अगर आप ठीक होंगे तभी आप और लोगों को भी सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों के लिए भी चीजें नहीं कर सकते हैं जिनसे उनकी मदद हो सकती है। चौथा पहलू है किसी और से अपने आप को कंपेयर ना करें। आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी एक जिंदगी है। इंश्योर करें कि आप अपने लिए जी रहे हैं और अपने गोल्स अपने आप निर्धारित कर रहे हैं, ताकि आप आगे बढ़ते हुए खुशी महसूस करें। अपने ऊपर फोकस करना गलत नहीं होता। दूसरों की जरूरतों को जहन में रख के आप अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो भी अच्छी चीज है, पर उसमें अपने आप को ना भूलें। इंश्योर करें आप अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचना शुरू करें। जिन घरों में पति और परिवार के दूसरे सदस्य कामकाज में हाथ बटाते हैं, वहां महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाती हैं। वहीं ऑफिस में भी अगर महिलाओं को बराबर का मौका मिले, वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो महिलाओं को इस दोहरी मार से बचाया जा सकता है। दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ के चलते तनाव और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर चुकी महिलाओं को अब अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।